अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। ये है मेरे ईद के सेकंड डे का व्लॉग, और ये सेकंड डे मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ, तो इसके लिए मैं तैयार हो रही थी। तो ये सूट मैंने पहना था, ये जॉर्जेट ऑर्गेन्जा का था, जैकार्ड का इसका शलवार था, बहुत प्यारा सा सूट था। और इधर बिरयानी बन रही थी अपनी अम्मी के घर में, तैयार होकर सुबह उठी तो नाश्ता वगैरह जो रात में खाना बना था, दावत थे हमारे घर पे, वो खा लिया, और वही सब खा कर फिर नाश्ता करके फिर अम्मी की तरफ चले गए। और ये जी मेरी बेटी प्यारी सी, माशाल्लाह क्यूट सी लग रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये है मेरी दूसरी बेटी सिमरा जी, माशाल्लाह दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। और इधर मैं अम्मी के घर पहुंची तो रात का खाना अम्मी के घर पे खा रही थी, अम्मी अब्बू के साथ बैठकर यहाँ पे खाना खा रही थी, तो बहुत मज़ा आया। सब तस्वीरें वगैरह ली, सबसे मिली, ईदी मिली, बहुत मज़ा आया। तो इधर फिर मैं रात का खाना खाकर फिर मैं अम्मी के घर पे रुक गई थी, फिर सुबह उठी नाश्ता वगैरह किया। तो ईद का तीसरा दिन था, तो इधर मैं मुमानी मेरी बड़ी बड़े मामू के घर से मुझे बुला लिया कॉल करके कि आ जाओ भाई, तुम भी आ जाओ, सब आ रहे हैं। तो उनकी बेटियां दामाद वो सब आ रहे थे, तो उन्होंने हम सबको भी बुला लिया, अम्मी बहनें सबको। तो हम लोग भी वहां चले गए, वहां पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया दोपहर का। और ये मैं हूँ, कैसी लग रही है मेरी चूड़ियाँ आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरा सूट आपको कैसा लग रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इधर हम लोग खाना वगैरह खाकर बैठे हुए थे, और बैठने के बाद फिर बातें वगैरह की, फिर मुमानी की तरफ से निकले शाम में, तो अपनी मुमानी सास की तरफ चले गए, तो वहाँ पर हमने रात का खाना खाया। ये देखें, उन्होंने रोक लिया था ज़बरदस्ती, तो हम रुक गए कि रात का खाना उन्होंने खिलाया, खाना वगैरह खाकर मीठा खाकर फिर वहाँ से बच्चों को बहुत सारी ईदी मिली। फिर वहाँ से निकल कर हम रात के 1 बजे हम घर वापस आ गए। तो रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। ईद के तीसरे दिन का ये है दूसरे और तीसरे दिन का व्लॉग है, तो ये तीसरे दिन बहुत रश था। और आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।